नमस्कार, स्वागत है आपका NBS न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। भारत और मालदीव के बीच चल रही टेंशन के बीच नई दिल्ली ने मालदीव को एक और झटका देने की तैयारी कर ली है। लक्षद्वीप को मालदीव का विकल्प बनाने के लिए भारत केंद्र शासित प्रदेश में एक नया एयरपोर्ट तैयार करने का प्लान बना रहा है। ईडी ने ठाकरे गुट के विधायक रविंद्र वायकर को समन भेजा है। वायकर को 17 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। उन पर बीएमसी की जमीन पर 5-स्टार होटल बनाने का आरोप है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर आज अयोध्या में बीजेपी की बैठक होगी। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के साथ सुनील बंसल, तरुण चुग और भूपेंद्र चौधरी शामिल होंगे। उद्घाटन के बाद रोज 50,000 लोगों को अयोध्या लाने पर रणनीति बनेगी। आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया है। यह अनियंत्रित ट्रक ने कई गाड़ियों को रोक दिया है। इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत और करीब आधा दर्जन लोग घायल हैं। वहीं आधा दर्जन कार सहित कई बाइक सवार चपेट में आ गए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उथल पुथल शुरू हो गई है। मसला 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसले का है। आज शाम 4 बजे विधानसभा अध्यक्ष को इन विधायकों पर फैसला लेना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लंदन में BAPS स्वामीनारायण मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। आज सुबह 7:53 पर अंडमान में 4.1 तीव्रता का भूकंप आया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार 7 बार समन भेजकर जांच के लिए बुला चुकी हैं, लेकिन सोरेन एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। इसी बीच सोरेन सरकार ने अपने अधिकारियों को गुप्त चिट्ठी लिखी है, जिसमें उनसे कहा गया है कि वह जांच एजेंसियों के नोटिस और जांच से जुड़े दस्तावेज पर सीधे जवाब न दे, बल्कि अपने विभाग के जरिए सरकार को इस बात की जानकारी दे। सऊदी अरब के दौरे पर पहुंची भारत की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र शहरों में शुमार मदीना का दौरा किया है। ऐसा पहली बार है जब मदीना शहर में कोई गैर मुस्लिम भारतीय प्रतिनिधि मंडल का पहुंचा है। उनकी इस यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आने के बाद मुस्लिम कट्टरपंथियों ने सऊदी अरब पर निशाना साधा है। शिवसेना में 2 गुटों के बाद अयोग्यता को लेकर विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर आज अंतिम फैसला सुनाने वाले हैं। नतीजे के बारे में बात करते हुए भंडारा से शिंदे गुट के निर्दलीय विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने कहा कि सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि फैसला खिलाफ होने पर भी उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रश्मि शुक्ला ने मंगलवार को महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। वह राज्य की पहली महिला DGP की है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर शिवसेना के दोनों गुटों द्वारा दायर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला देने वाले हैं। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को कहा कि संख्या बल उनके नेतृत्व वाली शिवसेना के पक्ष में है। शिंदे ने कहा कि यहां तक कि निर्वाचन आयोग ने भी माना है कि शिवसेना के अधिकांश विधायक उनके गुट के साथ है। मुंबई में पहली बार JN1 वेरिएंट से 19 मरीज संक्रमित हुए हैं। राज्य में कुल 250 मामले JN1 के पाए गए हैं, जिससे मुंबई तीसरे नंबर पर है। सबसे अधिक मामले पुणे और नागपुर में है। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP ने इस साल की पहली छमाई में होने वाले आम चुनाव से पहले महाराष्ट्र के 10 लोकसभा सीटों पर पार्टी की स्थिति की सोमवार को समीक्षा की। पवार ने जलगांव में मुंबई उत्तर पूर्व, भिवंडी, डिंडोरी, माधा, कोल्हापुर, अहमदनगर, सातारा, बीड, हिंगोली और रावेर के पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत की। कांग्रेस, शिवसेना, UBT और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP ने मंगलवार को इस बात पर सहमति जताई कि प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व वाली पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी को विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल किया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर हुई चर्चा के दौरान इन तीनों दलों ने इस पर सहमति जताई है। महाराष्ट्र में मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की मुश्किल बढ़ सकती है। अमित ठाकरे पर माथाड़ी नेता महेश यादव के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। मारपीट के बाद महेश यादव को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इसके बाद मनसे ने महेश को पार्टी से बाहर कर दिया। शरद पवार ने कहा कि मैं 1967 में संसदीय राजनीति में आया था, तब से मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया है। मेरी उम्र को लेकर अजीत पवार बार बार बयान देते हैं, 2.5 साल राज्यसभा के मेरे बच्चे हैं, तब तक मैं सेवा करूंगा, उसके बाद मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे विरोधी ने भी कभी इस मुद्दे को नहीं उठाया है।
ड्रेक के चलते टीम इंडिया से दूर रहकर भी मोहम्मद शमी छाए हैं। उनके छाने की वजह है उन्हें मिला देश का दूसरा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार। भारत के इस तेज गेंदबाज को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। शमी को ये सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिला है। प्रभास स्टारर साला ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया है। इस क्राइम थ्रिलर फिल्म को दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया है। सालार के क्रेज का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रिलीज के पहले दिन इसे देखने के लिए सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी और इसी के साथ इसने 90 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग कर इतिहास रच दिया था। अंकिता लोखंडे ने अपने पति विक्की जैन के साथ बिग बॉस 17 के घर में एंट्री की थी। हाल ही में अंकिता की माँ और उनकी सास दोनों अपने बच्चों के साथ एक दिन का समय बिताने के लिए बिग बॉस के घर में शामिल हुए थे। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए इनबिस न्यूज़। नमस्कार।